नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में सरकार बदली, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने, राजद जो है वो सरकार में शामिल हुई और नीतीश कुमार महागठबंधन के हिस्सा बन गए। इसके साथ साथ बिहार के युवाओं में एक जोश जो है, एक आशा की किरण जो है वो फिर से जिंदा हो गई है कि तेजस्वी यादव बिहारियों को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। आपको बताएं, 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने ये घोषणा कर रखी थी विभिन्न मंचों से। अपने हर एक सभाओं में उन्होंने एक बात को काफ़ी प्रमुखता से रखा था कि जब मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, मेरी पहली कैबिनेट होगी, तो पहला हस्ताक्षर उस फाइल पे होगा जिस पर बिहार के युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी दिया जाएगा। हालांकि कल जो है एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे ये प्रश्न किया गया तो उनकी जवान थोड़ी लड़खड़ाने लगी और सरकारी नौकरी के बदले वो रोजगार की चर्चा करने लगे, फैक्ट्रियों की चर्चा करने लगे। इन सब पर प्रश्न उठने लगे कि क्या तेजस्वी यादव जो वादा किए थे उस पर खरा उतर पाएंगे या नहीं। उनका कहना है कि मैंने मुख्यमंत्री बनने पर ये वादा किया था, हालांकि उप मुख्यमंत्री हैं, इसके बावजूद वो बिहारी युवाओं के कल्याण के लिए, नौकरी के लिए वो प्रयास करेंगे। मुझे भी विश्वास है कि तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं के लिए जरूर ही अच्छा करेंगे, सरकारी नौकरी उन्हें मिले इसके लिए जरूर प्रयास करेंगे। इसलिए मुझे आशा है कि तेजस्वी यादव युवा हैं और उन्हें लंबे समय तक बिहार में राजनीति करनी है और युवाओं का समर्थन पाने के लिए उन्हें अपने वादे पर खरा उतरना पड़ेगा। न 10 लाख तो जितना सीट खाली है उतना पे ही उन्हें नौकरी देना होगा और वो जरूर देंगे, इस क्षेत्र में जरूर प्रयास करेंगे, अपना 100% देंगे, मुझे इसका विश्वास है। क्योंकि तेजस्वी यादव को अभी लंबे समय तक बिहारी युवाओं के साथ रूबरू होना है, उन्हें आशीर्वाद उनको प्राप्त करना है। इन सब के बावजूद युवा जो हैं इतने अभी खुशी में हैं, आशा से भरे हुए हैं कि सोशल मीडिया पर एक लिस्ट वायरल हो रहा है कि अगस्त महीने में इतने लाख की बहाली आने वाली है। और आपको बताएं कि उस लिस्ट में किन किन विभागों में किन किन पदों पर नौकरी आने वाली है इसकी भी चर्चा की गई है। चर्चा का कारण भी है कि तेजस्वी यादव ने जब डिप्टी सीएम का पदभार ग्रहण किया तो उस समय उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की है और युवाओं को नौकरी के लिए बम्पर बहालियों की घोषणा एक महीने के अंदर में या अगले महीने किया जाएगा। आपको हम बता दें कि सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है, हालांकि हम इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं कि ये सरकार के द्वारा किया गया है या किसी पार्टी के द्वारा किया गया है, लेकिन वायरल हो रहा है उसकी हम चर्चा करते हैं कि कितने पद हैं। और हम आशा भी करेंगे कि भले ही अभी ये अपुष्ट खबर हो, छात्रों की मन की उपज हो, लेकिन ये पूरा जरूर हो और होना भी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बिहार के युवाओं का कल्याण होगा, उनका सरकारी नौकरी प्राप्त करने का सपना जो है वो पूरा भी होगा। आपको बताते हैं लिस्ट में क्या क्या दिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के नए महागठबंधन सरकार बनने के बाद बिहार में रिक्त पड़े 4,50,000 पदों पर अगस्त माह में आएगा विज्ञापन। ये मुझे भ्रामक खबर लगती है, लेकिन मैं इसकी चर्चा करता हूँ। इसमें दिया है शिक्षक के 2 लाख पद, डॉक्टर के 10,000 पद, नर्स के 25,000, टेक्नीशियन के 10,000, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 15,000 पद, सरकारी कार्यालयों में ग्रुप डी के 40,000 पद, बिहार दरोगा के 3,000, बिहार पुलिस के 20,000, प्रोफेसर के 5,000, कलर कोर्ट में क्लर्क के 10,000 पद, कोर्ट में ग्रुप डी के 15,000 पद, उत्पाद दरोगा के 1,505, ट्रैफिक पुलिस के 5,000 पद, चालक सिपाही के 4,000, कृषि पदाधिकारी के 2,000 पद और 68वीं बीपीएससी में 1,205 पद। हालांकि ये लिस्ट गलत नहीं है, इतनी ज़रूरतें हैं और बिहार में लगभग 4.5-5 लाख के आसपास सीटें खाली हैं। जैसा कि तेजस्वी यादव 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान ये बातें कहा करते थे, वो रिपोर्ट रखा करते थे जो कि रिक्त पदों से संबंधित है,
और पिछले 1.5 सालों में ये पदों को भरने के लिए कोई बहुत बड़ी मुहिम नहीं चलाई गई। हालांकि एनडीए के द्वारा 19 लाख रोजगार की बातें की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में हर एक साल 2 करोड़ रोजगार की बातें करते हैं। तो इन सब में हालांकि बीजेपी के द्वारा जो वादे किए गए थे वो तो पूरे नहीं किए गए। बिहार में एनडीए के द्वारा 19 लाख रोजगार की बातें की गई वो भी पूरा नहीं किए गए। लेकिन तेजस्वी यादव जो वादा किए हैं मुझे विश्वास है, और जो भी छात्र हैं जो काफ़ी गहनता से सभी चीज़ों को देखते हैं उनका भी कहना है कि ये 10 लाख नहीं तो कम से कम जितने रिक्त हैं उतने को जरूर पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि युवा है और इन्हें बिहार में लंबी राजनीति करनी है, विभिन्न चुनावों को फेस करना है और चुनाव के दौरान युवाओं के बीच में जाना है और युवा उनसे प्रश्न पूछेंगे कि आपने वादा किया था क्या निभाया, तो उसे कम से कम सही करने के लिए। और बिहार में जो भविष्य है उसमें रोजगार और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, इससे इग्नोर करके कोई भी सरकार नहीं चल सकती है। तो आशा है कि तेजस्वी यादव इस क्षेत्र में जरूर काम करेंगे, नहीं पूरा 10 लाख तो जितना खाली है उतना, जितना खाली नहीं है उसमें कम से कम उसका आधा भी, अगर 2-2.5 लाख भी अगर 2-3 सालों में रोजगार देते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और हम आशा करेंगे कि तेजस्वी यादव इन सीटों की भरने की कोशिश भी करेंगे और ईमानदारी पारदर्शी तरीकों से भरने की कोशिश करेंगे, ताकि बिहार के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और मेधावी छात्रों को भी सेवाओं में आने का मौका मिलेगा, तभी बिहार का संपूर्ण विकास हो पाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।